फ्रेंड, क्वांटम केमिस्ट्री का क्वेश्चन आया था सीएसआईआर नेट जीआरएफ में। क्वेश्चन क्या था, इसने थ्री डायमेंशनल बॉक्स क्यूबी बॉक्स के लिए एनर्जी दी है तो उसकी डिजेनरेसी निकालनी है। क्वेश्चन है, फाइंड द डिजेनरेसी कॉरस्पॉन्डिंग टू एनर्जी लेवल इज इक्वल टू 27h² / 8 ml² फॉर 3D क्यूबिक बॉक्स। तो इसमें एनर्जी दे रखी है, क्यूबिक बॉक्स के लिए हमें डिजेनरेसी निकालनी है, जहां पर h प्लैंक कांस्टेंट, m मास, l लेंथ है। तो सबसे पहले हम इसको वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल के लिए एनर्जी निकाल लेते हैं। वन डायमेंशनल में x होता है, टू डायमेंशनल में x और y होता है, थ्री डायमेंशनल में x, y, z तीनों एक्सिस होते हैं। तो कुछ फॉर्मूले लिख देते हैं एनर्जी एनर्जी के, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला, वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए एनर्जी का फॉर्मूला होता है ex = nx² / h² / 8 ml². ये वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए होता है एनर्जी का फॉर्मूला। सेकेंड, टू डायमेंशनल बॉक्स जिसमें हमारे x और y होंगे, इसके लिए जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है ex² / x² (x + ny² · h² / 8 ml². इसमें हमारा x और y दोनों आ गए हैं। थर्ड होता है थ्री डायमेंशनल बॉक्स, या इसको हम कहते हैं क्यूबिक बॉक्स। क्यूबिक बॉक्स से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं डिजेनरेसी के, इसके लिए होता है एनर्जी का फॉर्मूला x y z (ex, y, z) (nx² + ny² + ny² · h² / 8 ml². ये तीनों बॉक्स के हमने एनर्जी का फॉर्मूला बता दिया है, हमें जो निकालना है इसके लिए निकालना है। ये कभी यहाँ पर ये भी दिया रहता है nx, यहाँ पर आ जाएगा nx और ny, यहाँ पर nx, ny, nz। तो ये तीनों फॉर्मूले हो गए वन डायमेंशनल बॉक्स, टू डायमेंशनल बॉक्स, थ्री डायमेंशनल बॉक्स की एनर्जी का फॉर्मूला, हमें डिजेनरेसी निकालनी है। तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन में देख लेते हैं, जो जो हमको गिवन दिया है उसको हम नोट कर लेंगे और जो हमें निकालना है उस पर क्वेश्चन मार्क रख लेंगे। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, फाइंड द डिजेनरेसी कॉरस्पॉन्डिंग टू एनर्जी लेवल E = 27h² / 8 ml² फॉर थ्री डायमेंशनल क्यूबिक बॉक्स। तो देखिए सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहले हम दे देखते हैं कि इसने दिया क्या है, एनर्जी दे रखी है, या यहां पर लिख देते हैं फॉर थ्री डायमेंशनल बॉक्स और इसे कहते हैं क्यूबिक बॉक्स। इसके लिए निकालना है, ये ध्यान देना कि वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल के लिए नहीं निकालना है, थ्री डायमेंशनल के लिए निकालना है, जिसको हम क्यूबिक बॉक्स कहते हैं। इसमें हमको दिया है, इसकी एनर्जी दी है 27h² / 8 ml² और हमें जी डीजेनरेसी हमें निकालनी है कितनी होगी। अब देखते हैं फॉर्मूला, थ्री डायमेंशनल बॉक्स के लिए e x = nx + ny + nz² = (nx² + ny² + nz² · h / 8 ml²
एल स्क्वायर होता है ये हमने पहले पढ़ लिया है। ये इसका फॉर्मूला हो गया और ये एनर्जी हमको दे रखी है तो इसमें इसको पुट अप कर देंगे, इसकी जगह पे हमारा आ जाएगा 27 एच स्क्वायर अपॉन 8 एम एल स्क्वायर इज इक्वल टू एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर अपॉन 8 एम एल स्क्वायर। ये हो गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई में है तो इसके अपॉन में चला जाएगा, ये आ जाएगा एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा 27 एच स्क्वायर अपॉन 8 एम एल स्क्वायर। ये इसका अपॉन में गया तो उल्टा हो जाएगा 8 एम एल स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, इसके जगह पे हमने ये रख दिया। तो 8 एम एल स्क्वायर से 8 एम एल स्क्वायर कैंसिल, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, ऑल ओवर जो आया एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई है 27। अब डीजेनरेसी में ये होता है कि एक्स वाई और जेड क्या क्या ले कि उनका स्क्वायर करे और उनको प्लस कर दे 27 आए। तो डीजेनरेसी, अब देखिए क्या क्या हो सकता है डीजेनरेसी। ये हो सकता है सबसे पहले 5 1 1, देखिए एक्स 5 वाई 1 जेड 1, तो इसका स्क्वायर करेंगे 25, इसका स्क्वायर 1, इसका 1, तो कितना हो गया 27। दूसरा क्या हो सकता है 1 5 1, एक्स 1 हो गया, वाई जेड हो गया और जेड 1 हो गया, बार बार इसको चेंज करना है 25 26 27। थर्ड होगा 1 1 5, एक्स और वाई 1, जेड आपका 5, तो कितने हो गए 3 हो गया। और इसके बाद एक और होता है 3 3 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 into 3 27, तो इसके बाद इसमें कुछ भी नहीं हो सकता है, तो जी इज इक्वल टू आ गया 1 2 3 4, तो इसकी डीजेनरेसी आ गई 4, आंसर इसमें 4 हो गया। तो ध्यान दीजिए, कहने का मीनिंग इसमें यह है कि आपने ये वैल्यू निकाली तो इसमें एक्स वाई जेड के हम कितने ऐसे वैल्यू निकाल सकते हैं कि 27 आए, तो हमने 5 1 1 निकाला। जब दोनों सेम एक डिफरेंट हो तो उसके 3 बनते हैं, लेकिन 3 3 1 ही बार बनेगा, आप इसमें कहीं भी रिप्लेस कीजिए वही रहेगा, और कोई इसमें ऐसा डिजिट नहीं है जिससे 27 आए फिर से। तो इसका जो आंसर आ जाएगा डीजेनरेसी 4 है, यानी हम 27 को कितने तरीके से लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जी इज इक्वल टू 4 आ गया डीजेनरेसी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। थैंक यू सो मच।